व्यक्तित्व होता है वो उन्होंने पूरी तरह से उसको निभाया, जैसे और हमारे महापुरुषों ने निभाया वैसे ही उन्होंने निभाया। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ें बाबा साहब के समय में समस्याएं थी, आज भी समस्याएं दूसरे प्रकार की हैं। उनके समय पढ़े लिखे लोग नहीं थे, आज पढ़े लिखे हैं लेकिन समस्याएं दूसरी हैं। समस्याओं का अंत नहीं है, कहीं प्लानिंग में गड़बड़ है ये बात सही है, और आज के परिप्रेक्ष्य में धर्म जो है वो हमारे संविधान के ऊपर, लोकतंत्र के ऊपर भारी पड़ गया है, ऐसा जो नज़र आ रहा है हम लोगों को। और उसी की वजह से देखो, तो धार्मिक हम गुलाम हैं ये बात सत्य है, और उस गुलामी का फायदा उठाते हुए लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए धर्म का सहारा लिया गया, और धर्म में क्योंकि हम लिप्त हैं इसलिए हम एक तरफ बहते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर ज़्यादा अध्ययन करना पड़ेगा, ज़्यादा सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि सब कुछ हम लोगों ने अर्जित किया है, बड़ी बड़ी पोस्टों तक हम गए, अभी चर्चा हुई है, लेकिन जो जिस वजह से हम गुलाम हुए, बौद्ध धर्म खत्म हुआ, वो भी इसी वजह से हुआ कि एक अप्राकृतिक धर्म जो कि एडमिनिस्ट्रेशन है, वो धर्म तो नहीं कह सकते उसको, लेकिन नाम दिया है क्योंकि वो भाषा में, इसलिए बोलना पड़ेगा। धर्म तो किसी भी एंगल से नहीं नज़र आता, हिंदू व्यवस्था जो है उसी के माध्यम से उन्होंने बौद्ध धर्म को तहस नहस किया। उसी की वजह से ये जो हमारा संविधान है ये धर्म से कम नहीं है, उसी श्रेणी का है, ऊंचा कहूँगा ना नीचा कहूँगा, उसी श्रेणी का है, और उसको भी ध्वस्त करने का ये प्लानिंग चल रही है। जैसे प्रोफेसर रतनलाल जी ने अभी आपके बीच में बहुत सारी बातें इसकी। अब सवाल शिक्षा का तो है ही है, इसमें दो राय नहीं है कोई, शिक्षा होगी तभी हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या हिंदू व्यवस्था है। ये एक सॉफ्टवेयर है, बहुत तगड़ा सॉफ्टवेयर है, और मैं ये कहूँगा एक वायरस है, और वायरस शुरू के जो बच्चे के शुरू के 7 साल होते हैं, 6 साल उसमें ये डाल दिया जाता है अपने आप, स्वतः ही गली मोहल्ले में, घर में और इधर कार्यक्रम ये वो पड़ जाता है। और इस तरह का जाल है कि हम लोगों को रिश्ते नातों में इस तरह से जकड़ दिया गया। अभी कोई क्रांति की बात करे घर में ही तो माँ सबसे पहले आ जाएगी, वो कहेगी बेटा ये काम मत करिए, तेरी जान को खतरा है, बवाल हो रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है दो समुदाय के बीच में, सबसे पहले घर में माँ ही रोकती है और कोई नहीं रोकता, क्योंकि रिश्ते में इस तरह से बंधे हुए हैं हम लोग कि हम समाज हमारा बिल्कुल बाद में आता है, देश बाद में आता है, हम एक दूसरे के उसी में उलझे हुए हैं, उलझा कर संत मुनि संत हमारे संतों ने भी ये कहा है कि रिश्तों से थोड़ा सा ढीलापन बरतो, थोड़ा कम करो इनको, लेकिन हमने ये कर्क रू के रिश्तों को इस तरह से बना लिया कि हमारा पूरी लाइफ जो है उसी में ख़त्म हो गई, ध्वस्त हो गई। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग क्या प्लानिंग करें, तो हम लोगों ने आज से करीब 3-4 साल पहले इसी जगह पर, थोड़ा ऊपर एक हॉल है, हर संडे को 2 घंटे के लिए चिंतन करना शुरू किया कि हम लोग चिंतन करते हैं कुछ लोग साथ में कि क्या क्या होना चाहिए, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको कैसे पलटा जाए, उसको कैसे निरस्त किया जाए। और उसके बाद में जैसे कहते हैं ना कि आप एक गिलास में जहर भरा हो और जहर गिलास को बिल्कुल उल्टा कर दो, कूड़ेदान में डाल दो जहर को, और उसके बावजूद भी उस गिलास में अगर दूध डालोगे तो वो भी जहरीला बन जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, बहुत भिक्षु ले लो अपने, बौद्धिस्ट ले लो जितने भी हैं, वो चाहे एक बूंद रह गई है उस जहर की, उस सॉफ्टवेयर की, और उसी में हमने बहुत धम डाल दिया, वो भी जहरीला हो गया, कुछ भी नहीं है, वो आपको कन्फ्यूज कर रहा है। कल एक शादी में था, एक तरफ उन्होंने भंते जी बना लिए, वो करवा लिया, दूसरी तरफ उन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया, लाओ भाई कपड़े लाओ, उनके लिए लाओ, उनके लिए लाओ, टीका होगा, ये होगा, वो उन्होंने पूरी कहानी वो कर ली। मैं बोला भंते जी ये क्या है ड्रामा, बोले चुप रहो ये ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के ये है कि न तो हम
इधर के रहे ना उधर के रहे, हम बीच में लटके हुए। और यही जो कन्फ्यूजन है, ये जो चीज़ें हैं, ये आपको हिंदू व्यवस्था की तरफ ले जाती है, खींच के ले जाती है। और उसका फ़ायदा जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसको होता है, वो पूरा फ़ायदा उठाया। इसी इलेक्शन में आप लोगों ने देख लिया। और फॉर्मूला एक काशीराम ने बनाया था कि जो दलितों में जो जातियाँ हैं उनको जोड़ा जाए, और जो पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, जो हमारे बिल्कुल पैरेलल हैं, थोड़े से ऊपर नीचे हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। यही फॉर्मूला बीजेपी ने अख्तियार किया है। जितनी पिछड़ी जातियों के जो जो अति पिछड़ी थे उनको, उनके संगठनों को जोड़ लिया, उनके उसको जोड़ लिया, फॉर्मूला वहाँ से उन्होंने अडॉप्ट वो चुराया और इसमें डाल के वो कामयाब हो गए। हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, इसके कई कारण है, उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा संघर्ष अंतिम था। काशीराम वाला शुरुआत थी, दूसरी बार हम उठ सकते हैं, उसको अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आप लोगों की सबकी जो विलिंग पावर है उसकी ज़रूरत है। तो हम एक तो ये चाह रहे हैं कि हर संडे को जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके पास टैंक है बुद्धि का, वो लोग आके इस्तेमाल करें, एक जगह बैठे प्लानिंग बनाएं। बहुत से लोगों ने कहा चलो स्कूल खुलना चाहिए, खुलना तो चाहिए, लेकिन हर चीज़ की प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी चीज़ है, कोई मामूली चीज़ नहीं है, इसके लिए पूरा सेटअप बनाना पड़ता है। तो हम इस तरह का प्लानिंग करें और प्लानिंग से आगे बढ़ें, जिस तरह से RSS प्लानिंग करती है, वो सारा कुछ उन्होंने एक एक व्यक्ति के खोपड़ी के बारे में बताया, पूरा एनालिसिस है उनका। हमारे पास कुछ नहीं, हम तो बस बाबा साहब बौद्ध धर्म और ये और वो इसी में अटके रह गए। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनका एनालिसिस होना चाहिए, ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बात और करूँगा कि हम लोग चाह रहे हैं कि 15 मार्च को, जिस दिन काशीराम जी का जन्मदिन है, तालकटोरा स्टेडियम, जैसे हमने पहले बुक कराया था, अभी भी हिम्मत है तो उसको बुक कराएंगे। और सब लोगों का हमें राय चाहिए, सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए कि हम एक बड़ा प्रोग्राम देश लेवल का वहाँ रखना चाहते हैं। हमारी कल परसों डॉक्टर साहब से बात हुई, हम लोग आपस में बातचीत फ़ोन पे करते रहते हैं, अब क्योंकि वो सिलसिला किसी तरह से टूट गया, बैठ नहीं पा रहे, लेकिन उससे बहुत कुछ चीज़ें निकल के आई। आप लोग जब बैठेंगे आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे तो बहुत सी चीज़ें निकल के आती, जिससे हमें मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलती है। मानसिक गुलामी से मुक्ति मिलना ही अपने महापुरुषों की तरफ ले जाने वाली बात है। अगर वहाँ से नहीं मिला कुछ तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो एक उदाहरण है कि हिंदू व्यवस्था आपको प्रकृति से कोसों दूर ले जाती है, बहुत कोसों दूर। और जहाँ पर आदमी कंफ्यूज हो जाता, भटक जाता, पढ़ा लिखा है चाहे कितना ही, लेकिन उसकी समझ में नहीं आता, उसका सॉफ्टवेयर ही गड़बड़ा जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता। ये धम्म जो है प्राकृतिक है, प्रकृति के बहुत ही करीब है, और आदमी को प्रकृति के बिल्कुल करीब ले जाता है। और जो जो व्यक्ति प्रकृति के साथ लयबद्ध हो जाता है, वही बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाता है। ये सीधी सी बात है जो मैंने समझा है। तो बुद्धत्व कुछ नहीं है, अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ना है। क्या ये जो आप क्रियाकर्म कर रहे हो, क्या प्रकृति अलाउ करती है? अभी कोई शांति पाठ, भाई किस बात का शांति पाठ कर रहे हो? क्या तुम इस कल्पना को मानते हो कि मरने के बाद किसी की आत्मा या जो कुछ भी है उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो लाओ शांति पाठ कर लेते हैं? हम लोगों ने एक्चुअल में नकल की है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बौद्ध धर्म को हिंदू व्यवस्था में लपेट कर लोगों को परोसना शुरू कर दिया और कुछ नहीं किया। और इसमें हम माहिर हो गए, बहुत से लोगों के प्रवचन सुनते हैं, कोई अपने को बुद्धाचार्य, अरे क्या है भाई आचार्य, बुद्धाचार्य क्या होता है, आज तक समझ में नहीं आया। ये आचार्य और ये प्राचार्य हिंदू व्यवस्था की देन है, आपने भी उसमें घुसेड़ लिया। आप देखिए, खोज के आप मंथन करिए कि हमारी उस व्यवस्था में, बुद्ध के शासन में क्या व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को फॉलो करो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जानबूझ के अनजाने में या जानबूझ के ये सब कर रहे हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है। आप लोग बैठिए, आइए, समय दीजिए। अभी कह रहे हैं संकट आ रहा है, ये तो आएगा, ये बिल्कुल आएगा, पहले भी आया है और अब भी आएगा। अब ज़्यादा परेशानी होगी क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे हो, आपने बहुत कुछ
लोगों को दिखा दिखा के कि भाई हमने ये बना लिया, हमने ये कर लिया, हम इस ओहदे पे चले गए, लड़का फलाना कर रहा है, वो ये बन गया, आपको ज़्यादा कष्ट होगा जब उनके ऊपर बीतेगी। तो इसकी भी चिंता होनी चाहिए। बनाना अच्छी बात है, हम नहीं कह रहे कि बुरी बात है, लेकिन उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कौन करेगा? वो भी तो हमें करनी है, और किसको करनी है? बच्चों से लगाव अच्छी बात है, लगाव रखो, लेकिन बच्चों की सुरक्षा कैसे हो? घर बना लिया, बंद कर लिया, चार दरवाजे ऑटोमेटिक लगा लिया आपने, समझ में आता है। 84 का आपने दंगा देखा है, कोई दरवाजा काम नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा काम। अच्छे अच्छे जो सरदारों ने बनाए थे महल, वो सारे ध्वस्त कर दिए। उधर हुआ 2002 में गुजरात में, मुसलमानों के साथ हुआ इधर। सवाल ये है, अब तीसरी चौथी बात और बोल रहा हूँ कि अब तक पॉलिटिकल जितने भी लोगों को सजा हुई है, चाहे वो झारखंड के क्या नाम था उसका, मधु कोड़ा, सिब्बू सोरेन, सबसे पहले उनको सजा, उसके बाद मायावती के ऊपर उन्होंने डंडा बरसाया, लालू यादव जेल में है, मुलायम सिंह जाने की तैयारी है, उनकी फाइल खोल रखी, सबकी फाइल है उनके पास, क्योंकि हमारी कमजोरियां हैं एक्चुअल में, क्योंकि हमको तो बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत होना है, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र में है, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, कि कोई दाग न लगा सके। अगर दाग लग गया तो आपकी कमजोरी उनके हाथ में चली गई, और वो कमजोरी हम जाने अनजाने पता नहीं क्या, हमारा समझ में नहीं आता, और चूंकि वो तो कुछ भी करेंगे, लेकिन हम आ भरेंगे तो बदनाम हो जाएंगे, वो कत्ल भी कर देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका सब कुछ है व्यवस्था, वो अपने आदमी को सजा नहीं देंगे। ऐतिहासिक ये घटना है जिनमें केवल और केवल शूद्रों को सजा हुई और किसी को नहीं हुई, आपके सामने, सोचो जरा, कभी सोचो, और ऐसे आगे भी होगा। तो कमजोरियां क्या है, अभी क्या हुआ है, अभी मैं बता दूं, गुजरात में जो बीजेपी जीती है उसका मेन कारण बता रहा हूं, 3.5% वोट पड़ा है मायावती को, BSP को, और मायावती इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रही थी, उसको बीजेपी ने कहा ये फाइल पड़ी हुई है, कैंडिडेट खड़ा कर, कैंडिडेट खड़ा करो, खड़ा किया, हर सीट पर थोड़े थोड़े काटे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज़्यादा काटे, कुछ और भी पार्टियाँ खड़ी करी उन्होंने, इस तरह से वोट ज़्यादा कटा, इस वजह से बीजेपी निकल गई। तो ये उनका एक राजनीतिक वो है, प्लानिंग है, वो उन्होंने की है, कमजोरियाँ हमारी उनके हाथ में, तो कमजोरी को मिनिमाइज करते हुए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरी तरह से साधु बन जाओ, लेकिन कम कर लो, इतनी कम कर लो कि कोई आपको पकड़ ना पाए, सुरक्षित रहे, आप सुरक्षित रहोगे तो समाज आपका सुरक्षित रहेगा। अगर आप ऊपर जाते हो और आपकी कमजोरी किसी को पता लगती है, वो पूरे समाज को ले डूबेगी, जिस तरह से हो रहा है। तो एक तो 15 मार्च का, हाँ बस खत्म है, 15 मार्च को प्रोग्राम करना है, सब लोग हाथ खड़े करें, अगर यस और नो तो आपकी मर्जी है भाई, जैसे भी करना है।